वेलकम बैक, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज ही अरमगान को मैंने बुला लिया, मैंने कहा मेरे अकेले से अनबॉक्सिंग नहीं होती, आज मिलके सारे बॉक्सेस ज़रा खोलेंगे, ठीक है तो मज़ा आएगा, सरप्राइजेज भी होंगे। वो कुछ वॉल शॉल्स पेंट हो रही हैं, वो भी काम साथ साथ चल रहा है, हम लोग अभी मिलके करेंगे अनबॉक्सिंग। पहले तो मैं अरमगान ज़रा यहाँ से बाइक उतार के मुझे दिखाना ना, आप उस दिन बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, आए ना ज़रा। ओह गुड अबासी, नहीं नहीं ये अच्छा था, ऐसे तो अच्छा पहली अटेम्प्ट में तूने अच्छा उतारा है यार, गुड। ये जी पेंट हम करवा रहे हैं, इसे आप डार्क ब्राउन कह लें, मड कलर कह लें, कोई अजीब वरीब चॉकलेट कलर कह लें, जो भी, मगर क्या हाल है ये ब्राउन और वाइट बड़ा सूट कर रहा है। तो अरमगान ने मशवरा दिया है कि वो जो हमारी फ्रंट मेन बिल्डिंग है उसको भी हम सेम पूरा इसी कलर में लें, वो दरमियान फ्रंट वाइट है उसका ब्रैक ये था, तो वो कह रहा था कि सारी ब्राउन में लें और कुछ पोर्शन उसमें हम वाइट छोड़ें, तो वो भी बड़ा खूबसूरत होगा, वो भी फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। ये जी जो फ्रंट पोर्शन है ये सारा हम ब्राउन में करवा रहे हैं, ये साइड भी ब्राउन में हो जाएगी, और ये जो ऊपर शेड सा बना हुआ है ये वाइट रह जाएगा, और जो इंटीरियर है वो भी वाइट रहेगा, तो उम्मीद है इंशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक निकल आएगी। चलो डिफरेंट होना अच्छा है। सारी हमारी प्रोडक्ट्स आपके सामने बड़ी हुई हैं, अभी इनको करेंगे हम अनबॉक्स और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जो चीज़ ऑब्वियस नज़र आ रही है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। लेफ़्ट साइड पे हमारे टायर्स भरे हुए हैं, जिसके अंदर जनाब मेरा एक 190 का टायर है ब्रिजस्टोन का, उसके अलावा मेरे पास एक पेयर है मिचलिन पावर 5 का, और एक जो है वो जो अफ्रीका ट्विन के ऊपर टायर लगे हुए साथ आए थे वो मैंने अपने पास रख लिए हैं क्योंकि उनकी कंडीशन भी ठीक थी। तो अभी ये बॉक्सेस ओपन करते हैं, अरमगान की हेल्प लेते हैं। अरमगान प्लीज़ अनबॉक्सिंग शुरू करें, अपनी मर्ज़ी का बॉक्स उठाएं, जो भी बॉक्स में हुआ वो आपका। तो अरमगान ने ये बॉक्स चूज़ किया है, वो कौन से प्रोग्राम्स होते हैं जिन पे ये कराची में हो रहे हैं ये बॉक्स चूज़ करें और ये नंबर चूज़ करें? हाँ। तो आपने ये बॉक्स चूज़ किया है, क्या आप श्योर हैं? श्योर हूं। आपने अभी भी फैसला तब्दील करना है तो मुझे बता दें। ठीक है चलें, ये बॉक्स आपका हुआ, प्लीज़ ओपन करें, देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या निकला है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त मनुसों में एक, तूने मेरी कटरी तोड़ दी है यार, अब इसको कटर से खोलने की क्या जरूरत है, बासी तेरे अंदर जान नहीं है। हाँ ऐसे। ओ अरमगान, इसके अंदर से जो निकला है वो आपके काम का ही नहीं है। ये पता है क्या है, ये अफ्रीका ट्विन का स्टैंड है। अच्छा। और ये इतना नेक्स्ट लेवल स्टैंड है ना कि आपकी सोच है, चेक करें सर। अरमगान ये इतना नेक्स्ट लेवल स्टैंड है, इसमें कुछ भी नहीं, ये जो ये वाली जगह है ना। अच्छा। इस पे पूरा अफ्रीका ट्विन खड़ा हो जाता है। ट्राई करेंगे। हाँ इसको अभी चेक करेंगे ना, बाहर लगाएंगे निकाल के। लें जी, आपने जो जीता वो मेरा हुआ, अब आप नेक्स्ट बॉक्स। हाँ ये इसका, इसको आप साइड पे करें और नेक्स्ट बॉक्स ओपन करें। अब आप कौन सा ओपन करना चाहेंगे? सर को मोटो वाले का कोई फायदा नहीं है, खाली डब्बा इसका मुझे पता है क्योंकि इसमें हमारी लाइट्स थी। अब ये देखते हैं सर क्या। चलिए एमजॉयल वाला खोलें। ओ वेरी नाइस, ये अच्छा बॉक्स है। इसके अंदर है जी SW मोटेक का टैंक बैग, जो कि अफ्रीका ट्विन के ऊपर लगेगा, ये अफ्रीका ट्विन के साथ आया है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव बैग एंड आई एम वेरी लकी कि ये मुझे अफ्रीका ट्विन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। थैंक्स वो गोरे भाई जो कनाडा में इस बाइक को चला रहे थे और उन्होंने मुझे ये अब गिफ्ट दिया। अच्छा जी, मोटो वुल्फ का ये मोबाइल होल्डर, उसका बॉक्स है। ये अफ्रीका ट्विन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि दो एयर फिल्टर डलते हैं, 1 और 2। ये इसके स्टॉक एयर फिल्टर्स हैं जो हमने उतार दिए थे। इस टाइम अफ्रीका ट्विन के अंदर DNA के एयर फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो ये भाई हमारे काम के लिए बस यूज़ है। ये जनाब जो टॉप बॉक्स इसके साथ लगा हुआ था उसकी प्लेट थी अफ्रीका ट्विन की, अब हमने क्योंकि वो टॉप बॉक्स उतार दिया तो ये भी हमारे काम करनी है। और अरमगान ये आपके लिए गिफ्ट है, ये आपके बाइक की ग्रिप्स हैं, आप हैंडल बार के ऊपर चढ़ाएं इन्हें, पता लगे एक डब्बा हम खोलें तो 25 अंदर हो 25 जितना है ना उसने आ भी जाना है डब्बों में। ओए होए होए, अरमगान बॉक्स आ गया, टॉप बॉक्स
ऑफ अफ्रीका सेम ट्विन, मेरे जैसा। सेम अपना सेम सेम हो गया, बस मेरा ब्लैक कलर में होगा, तेरा सिल्वर में होगा। साइज अरमगान अपने सेम है, साइज मुझे ये बड़ा लग रहा है। नहीं, साइज छोटा ही, छोटा थोड़ा सा, 19 से भर कर। ये मेरे वाला छोटे है? अब इसके अंदर हम कोई एडिट करेंगे, स्टिकर लगाएंगे। हाँ, इसके ऊपर चीज़ें चीज़ें लगाएंगे, इसको बड़ा नेक्स्ट लेवल बनाना है हमने। टॉप बॉक्स तो आइडेंटिटी होती है बाइक की, तो इसको हम बड़ा फिट करने वाले हैं। ये जी अफ्रीका ट्विन का टॉप बॉक्स है जी। है मकान, व्हाट्स नेक्स्ट? ये भी स्टैंड, ये जी यामाहा R1 का स्टैंड है, रेड टायर से आपने याद रखना है, क्योंकि हमारे R1 में रेड कलर है, तो स्पेशली ये पता है। फिर भाई ने जरा खर्चे कर दिए, तो खर्चे कर दिए भाई। चलो इसको हम पैक ही रहने देते हैं, ताकि इस पर स्क्रैच ना मिले। इनको हम फेंक देते हैं, ये अब हमारे नहीं है। नहीं जी, चेक किया है पैकिंग स्किल्स, चेक किए हैं अजीम भाई। ये जी साइड बॉक्सेस आ गए, ये काफ़ी स्लिम है, ये बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए नहीं होते, तो ये मैंने लगा के रखने हैं, मैंने सोचा हुआ है। बड़े खूबसूरत साइड बॉक्सेस हैं इसके, मेरे वाले बहुत बढ़िया। हाँ, ये साइड परफेक्ट साइज है। हाँ, ये बड़ा अच्छा साइज। तो अब हमने सारा सामान खोल लिया, अब अरमगान हम सब कुछ फिट करते हैं। बॉयज बेबी चेक करें, फुली लोडेड अफ्रीका ट्विन फाइनली। ओफ, बड़ी मेहनत हुई है यार इसके ऊपर। ये बॉक्सेस चेक करें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हालांकि मैं कभी भी साइड बॉक्सेस, टॉप बॉक्सेस के इतना हक में नहीं रहा, मगर मैट ब्लैक पेंट होने के बाद, मैट ब्लैक SW मोटेक, और ये तो हमने खुद बनवाया ऊपर वाला गार्ड, SW मोटेक का क्रैश गार्ड साइड, SW मोटेक स्किड प्लेट, SW मोटेक के जनाब हमारे फुट पैक्स, SW मोटेक के हैंडल बाल रेजर, SW मोटेक का हमारा है जी टॉप टैंक बैग। और मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ गया, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत किया, मैंने और अरमगान ने। ये हमने जनाब इसका डबल स्टैंड लिया है, उसके ऊपर ये बाइक इस टाइम हमने ठहरा दी है। और चेक करें जी, क्या खूबसूरत मशीन है और क्या खूबसूरत लुक निकली है इसकी। अभी अरमगान को मैंने ये लाइट्स ऑन करके भी ज़रा जेलस करना है कि कितनी ज़बरदस्त लाइट है ये सरको मोटो की हमारी। बाकी बॉयज़ अभी थोड़ी देर तक मैं इस पे राइड पे निकल रहा हूँ, हम लोग बहावलपुर जा रहे हैं, अरमगान बनैली पे होगा, मैं अफ्रीका ट्विन पे होगा, तो रास्ते में सरको मोटो की लाइट्स भी इंजॉय करेंगे और आपके साथ एक बड़ी मज़े की हाईवे की राइड भी हो जाएगी। तो अभी चलते हैं बॉयज़ राइड पे। सो बॉयज़ वी आर रेडी, अफ्रीका ट्विन इज़ रेडी, बनैली इज़ रेडी। अफ्रीका ट्विन के साथ कोई ज़्यादा हमने चेंजेस नहीं किए, सरको मोटो की हमने लाइटें चेक करनी है, बाकी इसके ऊपर हमने SW मोटेक का टैंक बैग लगाया है, GPS मैंने फिक्स कर लिया है इसके ऊपर गार्मिन का। साइड बॉक्सेस के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है बाइक चलाने का, वो भी अभी मैं करूँगा तो पता लगेगा कि कितना वेट है और कैसा कंट्रोल है, और थोड़ा सा चेंजिंग होती है, मगर इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे। 70-80 किलोमीटर्स की राइड है हाईवे के ऊपर, रात का टाइम है, रात के टाइम मैं इसलिए राइड करना चाह रहा था ताकि मैं लाइट्स चेक कर लूँ। सरको मोटो की लाइट्स पहली दफ़ा यूज़ किए हैं, इससे पहले जो मेरे पास मल्टी स्टार्टर था उसमें क्लियर वाटर की लाइट्स थी, तो सरको मोटो ऑब्वियसली कुछ कुछ लोग, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, कुछ को क्लियर वाटर पसंद आती है, किसको सरको मोटो, तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं कितना फ़र्क है। बाकी बाइक मैं आपको दिखा दूं जी, अफ्रीका ट्विन माशाल्लाह साइड बैग्स के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि इसके जो साइड बॉक्सेज हैं वो बहुत चौड़े वाले नहीं हैं, लंबाई के अंदर ज़्यादा हैं। मैं आपको बैग से भी दिखा देता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो उम्मीद है ये हमें इसके एयर रेजिस्टेंस इतनी नहीं होगी और बाइक सही चलेगा। बनैली TRK 502 पे इस टाइम कोई साइड बॉक्सेस नहीं लगे हुए, टॉप बॉक्स लगा हुआ है, और बाकी बाइक उसी तरह है जिस तरह पहले, कोई एडिशन नहीं हुई। बाकी ये फ्रंट की हमारी जो बुल बार है ये भी आज चेक हो जाएगी, और लाइट्स तो हमने चेक करनी ही करनी है। सो बॉयज़ चलते हैं हाईवे की इस राइड के ऊपर, और आप लोगों से मुलाकात होती है हाईवे पे। लेट्स गो ऑन अ राइड, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। और ये हमारी जी सरको मोटो पहले एक दफ़ा ऑन होती है, फिर ऑफ़ हो जाती है, ताकि बाइक जब स्टार्ट हो तो उसको एकदम वोल्टेज ना मिले। तो ये जी हमारा बाइक स्टार्ट हो गया है। सरको मोटो को ऑन करने के लिए आपने सिर्फ एक दफ़ा ये प्रेस करना है, ये आपकी लाइटें ऑन हो गई, यहाँ से डिम भी हो जाएंगी, ज़्यादा भी हो जाएंगी, बाकी इसके एक्सपेरिमेंट्स बाहर जाके करेंगे। अभी इसके ऊपर येलो कवर लगे हुए हैं, बीच में किसी भी जगह रुक के मैं ये कवर उतार दूंगा और आपको जो इसका HID व्यू है वो भी देखने को मिल जाएगा। सो GPS मैं अभी ऑन चले कर देता हूँ।
ये जी हमारा SW Motec का टैंक बैग, और थोड़ा सा ये हमारा जो है मोबाइल होल्डर उसको तंग कर रहा है, मगर इसको मैंने ऊपर कर दिया। ये जी गार्मिन भी ऑन हो गया, चले। वो है जरा सामने का व्यू चेक करें, क्लैरिटी चेक करें। ये अभी मैं इनको हाईवे पे जाके तो थोड़ा सा डिम कर दूंगा, क्योंकि सामने से आने वाले लोग फिर तंग होंगे। तो ये अभी सिर्फ इसी जगह पे आपको चेक करवा रहा हूँ। बॉयज सीन हो गया भाई के साथ। भाई का टॉप साइड बॉक्स गिर गया रोड के ऊपर। ओह शिट, उतर गया पेंट सारा। इसके लॉक्स तो वो ढूंढते हैं ना यार। कभी कभी ये चीज़ें लिखी पड़ी होती हैं, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर ना ज़्यादा टेंशन लेता हूँ, ना अपने माइंड को ख़राब होने देता हूँ। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं। इसको पहले ऑफ कर दें। अब हम ये वाला बॉक्स भी उतार रहे हैं, ताकि दोनों ही बस उतार के ये सारा बस ही दोबारा पेंट होगा। तो देख रहे हैं वो सारा बॉक्स ले लो, बॉक्स ले लो, बॉक्स फॉर सेल। हाँ सर को मोटो चेक करवाता हूँ आपको। येलो वो उतार दिया मैंने ऊपर से, उसकी वजह से लाइट तो बहुत ही कम हो रही थी। अब आपको चेक करवाता हूँ, एक सेकेंड ऑन कर लूँ। ये नॉर्मल लाइट्स चल रही हैं अभी अफ्रीका ट्विन की, विच आर नॉट बैड। और ये आ गई जी आपकी सरकोमोटो। क्या ब्राइट लाइट है यार। हॉर्न देंगे तो फ्लिकर भी करती है, फ्लैश। ये सामने मेरा वाइजर थोड़ा धुंधला हो गया, अभी इसे रुक के किसी जगह मैं क्लीन करता। राइड तो अफ्रीका ट्विन की बॉयज आपको पता है नेक्स्ट लेवल, स्मूथ, कंफर्ट, बहुत ज़बरदस्त है इसका। जिस चीज़ में ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो कंपेयर करूँगा डुकाटी से, जिस चीज़ में थोड़ा सा लैक करता है वो है थ्रोटल रिस्पॉन्स। जो डुकाटी का थ्रोटल रिस्पॉन्स था वो ऐसे था जैसे 1000 cc, क्योंकि उसके अंदर डुकाटी सुपर स्पोर्ट्स का इंजन था, तो 1000 cc बाइक जैसा उससे मिलता जुलता रिस्पांस था। तो ये एक चीज़ इसमें लैक होती है, इसमें आप थ्रॉटल देते हैं तो आपको थोड़ा सा, ये देख रहे हैं स्पीड, मतलब है ऐसे कोई 19-20 का फ़र्क, मगर फील होता है वो एल ट्विन, ये पैरेलल ट्विन, तो थोड़ा सा फ़र्क है। जो चीज़ मैं इंजॉय कर रहा हूँ वो इसका एक्रोपोविक का साउंड, इसकी सीट की कम्फर्ट, इसकी राइड की कम्फर्ट बहुत ज़बरदस्त। फिर सरकोमोटो ये मैंने बिल्कुल डिम की हुई है, इसको हाई करें, चेक करें बॉयस। और सबसे ज़्यादा जो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ इसका DCT, क्या बात है यार, क्या DCT है, क्या टेक्नोलॉजी है। ये तो मैं कहता हूँ ये वाली टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स बाइक में भी आ जानी चाहिए, कितना इन्जॉय करेंगे हम। गेयर लगाने वाली टेंशन ही खत्म। हाँ मगर ट्रैक्स के वक्त थोड़ा सा मिस करेंगे, और थोड़ा सा वो स्पोर्ट्स बाइक में अगर नैनो सेकंड का लैग भी आ गया ना तो बंदा कहेगा यार ये क्या हो गया। अदरवाइज क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। चलो आज ये भी देख लेते हैं कि इसका टैंक कितने में फुल होता है। बॉयज लीटर तो मैंने नोट नहीं किए, वैसे 4400 का इसका टैंक फुल हुआ है। सो बॉयज़
भाई तो आपका ऐसे ही रोड पे जरा घूमता फिरता रहेगा। आप लोग अपना एंजॉय करें, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।